हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे किचन में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं रात के बचे हुए चावल से एकदम झटपट से बनने वाला टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता। इसके लिए मैंने करीबन एक कटोरी चावल ले लिया है, यानी कुक्ड राइस, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, कुछ इस तरीके का। करीबन मैंने 4 से 5 चम्मच ही पानी का इस्तेमाल किया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच सूजी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और प्रोटीन में भी एनरिच है और बहुत बढ़िया हमारी रेसिपी का टेक्सचर भी आता है। अब 4 से 5 छोटी चम्मच मैं इसमें दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ी सी खटास आती है हमारी रेसिपी में और रेसिपी एकदम बढ़िया बनकर तैयार होती है। अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके करीबन 4 से 5 चम्मच इसका एकदम बढ़िया सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लिया है, कुछ इस कंसिस्टेंसी का। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने करीबन 1/2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं बारीक कटी हुई सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने यहाँ पे ले लिया है शिमला मिर्च, प्याज, गाजर को जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहे तो इसमें कद्दूकस की हुई गोभी और बीटरूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से बहुत अच्छा टेस्ट और कलर आता है। अगर आपके पास सब्जियाँ ना हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। बट सब्जियाँ डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में एकदम रंगमंच सा बन जाता है। अच्छे से इन्हें हमने मिक्स कर लिया है और इसे करीबन हम 10 से 15 मिनट ढककर छोड़ देंगे, ताकि हमने जो इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है वो अच्छे से फूल जाए। जी लीजिए, अब आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी पहले के मुकाबले कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। परफेक्ट यही कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इधर उधर हो भी जाती है तो आप उसे पानी डाल के मेंटेन कर सकते हैं, इस कंसिस्टेंसी का बना सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे मैंने करीबन 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। बेकिंग पाउडर हमें एकदम लास्ट में डालना है, ताकि इस रेसिपी का जो टेस्ट है और जो टेक्स्चर है वो निखर कर आए। मिक्स करने के बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। ऐसी रेसिपी है ना कि अगर आप सुबह लेट उठे हो या जल्दी बच्चों को स्कूल भेजना है तो टिफ़िन की झंझट ही दूर हो जाएगी। तुरंत से आप बैटर बनाओ और तवे पे इस तरीके से बैटर को डाल दो, बच्चों को ये टिफ़िन बनाकर दे दो। बच्चों का पेट भी भर जाएगा, पूरा लंच फिनिश भी करके आएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है, और आपका जो जल्दी वाला काम है वो भी हो जाएगा। तो मैंने करीबन 1.5 कलछुल बैटर जो है तवे के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। पहले तवे को मैंने अच्छी तरीके से ऑल से ग्रीस कर दिया था और गैस का फ्लेम अभी मैंने एकदम हाई रखा है। जब अच्छी तरीके से ये बैटर फैला दूंगी, मैं स्प्रेड कर दूंगी तवे पर, तब गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। ज़्यादा ऑयल की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, करीबन बस 1 चम्मच लगता है और हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से चारों तरफ से इसे हटा लेंगे तवे के ऊपर से और ऐसे पलट देंगे। ये लीजिए, परफेक्ट, कितना बढ़िया इसका कलर आया है ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। 1/2 चम्मच ऑयल चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे, ताकि दूसरी साइड से भी जो हमारी रेसिपी है अच्छे से सिज जाए। इस तरीके से दूसरी साइड से भी हटा लेंगे और ये लीजिए कितना परफेक्ट ये दूसरी साइड से भी सिज गया है। चावल इसमें डालने से क्या होना है कि इसमें एक बढ़िया सा क्रंचीनेस भी आ गया है, और सूजी तो प्रोटीन एनरिच है ही। अब इसी तरीके से सारे बैटर का मैं रेसिपी बनाकर तैयार कर लूँगी और इसका लुत्फ़ उठाऊँगी। अगर आपके पास कम समय है या फिर 10 मिनट में आपको खाना बनाकर तैयार करना है, मतलब नाश्ता बनाकर तैयार करना है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि सूजी को आप पहले से ही पीस के रखेंगे ना, तो आपको उसके फाइन पाउडर मिल जाएगा, तो आपको उसे ज़्यादा देर फूलने के लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा। बैटर बनाया और तुरंत तवे पर रेसिपी बनाई और बच्चों को टिफ़िन में दे दिया। इस तरीके से आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट भी बनेगी, बच्चे दिल खुश होकर खाएंगे और टिफ़िन भी पूरा कंप्लीट कर आएंगे, और आपका भी दिल खुश रहेगा। इस तरीके से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, एकदम परफेक्ट बनती है। ये लीजिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। मैंने तो इसे सेजवान सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे दही, ग्रीन चटनी के साथ या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या मक्खन के साथ, बहुत बढ़िया लगती है। मैंने तो घर में इस रेसिपी को बनाया था और सारे घर वाले मेरे ही फैन हो गए। अब हर संडे मुझसे ये बनवाते हैं और मेरे को हमेशा बनाना पड़ता है, बहुत बढ़िया लगती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो एक बार बनाकर ज़रूर देखना, एकदम परफेक्ट रिजल्ट भी बनेंगे और तुरंत बनकर भी तैयार हो जाएगी।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी का नाम क्या देना चाहोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप सभी का ढेर सारा प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। अंदर से भी इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है ना, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। चलो बाय बाय।